जी मेरा पिंड मीरपुर है जी, मेरा नाम चमकौर सिंह है जी। मैं पिछले 2009 साल तो कदे भी अपने खेतों में अग नहीं लगाई। असी पराली दीआं गट्ठां बना के ही चुकाउंदे आ, जिहदे नाल वातावरण का बहुत ज़्यादा असी फायदा करदे आ। मैं अपने होर किसान वीरां नूं भी ये कहना चाहुंदा कि वह भी ना अग लगा के अपने आने वाले भविख नूं बचा रखण। ये साडे लई नहीं, साडे बच्चों लई बहुत बड़ी साडी होगी जी जेकर असी पराली नूं अग नहीं लावांगे। धन्नवाद है जी साडे खेड़ी नौ सिंह तों आए SHO साहब दा जी। लिफाफे तैयार हो सकते हैं, उस तरह बाकी किसान वीर भी जिहड़े हैगे इस तरह दीआं गठ्ठां बनाउण ते अग पराली नूं अग ना लाउण, ते जिहदे नाल अपना वातावरण भी बचूगा ते अपना जिहड़ा हैगा प्रदूषण तों अपना रहित होऊगा। धन्नवाद जी। हांजी, जिवें कि तुसीं सारे जाणदे हो अजकल जिवें दिवाली का त्यौहार हो के गया, उहदे कारण पटाके लोकी चलाउंदे आ, धूआं वध गया ते बहुत सारी जगह ते पराली जदों साड़ी जांदी है उहदे नाल वी जिहड़ा धूआं उह इकट्ठा हो जांदा ते शाम नूं जिवें आपां लोक देखदे आ कि विजिबिलिटी भी घट जांदी है ते आपां नूं इदां लगदा कि नेरा हो गया धूएं करके। सो धूआं बहुत ज़्यादा है, सब तों पहले तां आपां नूं जिहड़ा अपने घर के आले दुआले सारे रुख लगाने चाहिए, अपने घर भी वैजीटेशन ज़्यादा करनी चाहिए वातावरण शुद्ध करने वास्ते। दूसरी गल है कि अजकल असी सारे वैदर देखते हैं, उत्थे एयर क्वालिटी इंडैक्स आप देख रहे हैं कि बहुत पुअर चल रहा है। सो ये जिहड़ा हैगा साडे बजुर्ग हैगे आ उन्होंने बाहर नहीं निकलना चाहिए धुएं दे विच, छोटे बच्चों भी आपां बिना लोड तो नहीं बाहर फिरना चाहिए। तो जे हुण बाहर जाने हैं तो असी लोग जिहड़े बजुर्ग है या जिहड़े अस्थमा वाले पेशेंट आ वो मास्क का प्रयोग करन ते नाल जिवें धुप विच जाना या अखां च धुएं तो बचाउण नूं गॉगल्स ते स्पैक्स का प्रयोग भी असी लोग जिहड़े हैगे कर सकते हैं, जिहदे नाल अखां च धुआं जिहड़ा नहीं पैंदा। आपां देखिआ कि धुआं कई वारी अपनी आईज़ नूं बहुत इरीटेट करदा है। सो सारे जने जिहड़े हैगे बिना लोड़ तो बाहर ना फिरो, अपने वातावरण नूं शुद्ध रखो, हरे दरख्त लगाओ। डॉक्टर साहब, इन्हां दिनां दे विच कोई सेहत संस्थान दे विच मरीजां दा वी वाधा होया, जे होया तो कि मरीजां दा वाधा होया? हांजी, इहदे विच जिहड़े हैगे अपने अस्थमा वाले पेशेंट है वह वध जांदे। पराली दे मुद्दे ते प्रशासन पराली नूं अग रोकण वास्ते एडा पप्पा भार होया ते दूजे दोहे मुद्दे छड्डते, ये तो साफ जाहर है कि सरकार जिहड़ी पंजाब दी है ये सेंटर नाल रली हुई है, सारी अफसरशाही रली हुई है, किसानों नूं बर्बाद करना चाहते। पराली बारे सोचा जा रहा, सिर्फ पराली नूं अग लाउण तो रोकिया जा रहा है ते किसान दी फसल चुकण बारे नहीं सोचा जा रहा, और किसान नूं अगली फसल बीजण वास्ते DAP की सख्त जरूरत है उहदे बारे बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं। पराली नूं अग लाउणा किसान का शौक नहीं, किसान की मजबूरी है। जदों बेलरां वालिया नूं असीं किन्ने पिंडां 'च जा के देखिया, वीडियो पाई आ, बेलरां वाले पहलां तां दित्ती तरीक ते आउंदे नहीं, जे आ गए तो वह ट्रैकिंग करके कदे तुर जाने, मुड़ के फोन करी जाओ फोन चकनों भी हट जाने। कई खेतों के गठां बनाईया पे, मेरे पिंड एक खेत में 20 अक्टूबर तो गठां बनाईया पे, जदों वीडियो बना के पाई फोन कराया, उहदा स्यापा कराया ते तां परसों गठां चक के लै गए। तो हुण मैनूं दसे सरकार जां जिहड़े साडी आलोचना करदे आ वी किसानां ने प्रदूषण फैलाता ते असीं अग ना लाईए ते की करिए। दूजी एक बड़ी अहम गल है जिहड़ी मैं दसनी चाहुंदा, मिसल सतलुज ये खेतीबाड़ी पर काम करते हैं, इन्हां दे अंकड़े ने इन्हां ने दस्या कि औसत एक किले चों 20 से 30 क्विंटल तक पराली निकलती है, तो उस पराली तो 1 किलो पराली उन्होंने साड़ के देखा तो उसकी सुआह चों कुछ अंकड़े इकट्ठे किए हैं, वो मैं दसदा। तो औसत पराली इन्होंने 30 क्विंटल मनी है एक खेत की, तो उन्होंने ये दसिया भी एक किले की पराली जे आप 23 क्विंटल मान लीए तो वो किड़े तत् कितनी मात्रा च होंगे ने। उस पराली के नाइट्रोजन 16 किलो होंगी है जी, फॉसफोरस 5.5 किलो, सल्फर 1.7 किलो, पोटाशियम 55 किलो, जैविक मादा 1000 किलो, तो कैल्शियम 7 किलो, मैगनीशियम 4.5 किलो। तो जे पराली नूं अग लाई जाती है तो सिर्फ नाइट्रोजन है जी वह उड़ जाती है, वह नुकसान होता, बाकी सारे तत् खेत में रह जाते हैं। जे असी हर साल गठ्ठा बना के पराली खेतों चुकाउंदी है तो आ किन्नी कीमत दे इन तत् ये साडे खेत चो समझो साडे देखदिआं उठ जांदे आ, चोरी हो जांदे ना, तत्तां ते डाका बज जांदा।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਉਸਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉੱਕਾ ਪੋਕਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਕ SDM ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੀ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75% ਘੱਟ ਅੱਗਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ 939 ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 618 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 164 ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। 164 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਫਾਇਰ ਫਾਊਂਡ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 87 ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 87 ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 8 FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।